दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की पाकिस्तान के खिलाफ जीत से खुश हैं और रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत को देखकर नरेंद्र मोदी ने दिया रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम पर दिल जीत लेने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ आसानी से जीत मिली, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जो आपके भी दिल को छू लेगा। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम की जीत के बाद क्या बयान जारी किया, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ में किन खिलाड़ियों को मालामाल किया, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ किस खिलाड़ी के दम पर जीत मिली? जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा या फिर कोई और? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया। इस दौरान पाकिस्तान की टीम की तरफ से बाबर आजम ने सर्वाधिक 50 रन की पारी खेली, तो वहीं पे मोहम्मद रिजवान ने 49 रन का योगदान दिया। वहीं पाकिस्तान की टीम मात्र 191 रन पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान 42.5 ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया, जहां पर भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर को छोड़कर सभी गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या सभी ने दो दो विकेट हासिल किए। तो वहीं पे लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने आसानी से भारत को शानदार 86 रन की पारी खेलकर जीत दिला दी, जिसको देखकर नरेंद्र मोदी का दिल जीत लेने वाला बयान सामने आया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम को जीत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। सभी ने अपना दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ अपने दम पर पाकिस्तान की टीम को बुरी तरीके से हरा दिया, तो उसकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। और इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि वो दुनिया जीतने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को आगे ले जाने का कार्य किया। कप्तान रोहित शर्मा ने कप्तान होने के नाते बता दिया कि वो भारत को इस बार वर्ल्ड कप जिताकर ही दम लेंगे। इस मैच के अंदर उन्होंने एक बात भी स्पष्ट कर दी कि भारत का वर्ल्ड कप जीतना कितना जरूरी है और इन प्रदर्शन के दम पर तो भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं भारत की पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत से काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है। साथ में बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजों ने भी काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी देखने के बाद मोहम्मद सिराज ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी की नींव डाली और पूरा मोमेंटम भारत के पक्ष में कर डाला। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने जिस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन किया, उससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अब पाकिस्तान की टीम की गेंदबाजी भारत की गेंदबाजी से मजबूत नहीं है। भारत की टीम इस समय दुनिया की सबसे मजबूत टीम है और भारत को हराना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अंत में भारत के इसी तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद आगे भी जताई है। साथ में भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया और वर्ल्ड कप जीतने पर बड़ी उम्मीद जाहिर की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप में सबसे बड़े मैच में भारतीय टीम की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।